मधेपुरा सदर प्रखंड के मानीपुर में रास्ते की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान पर लगातार सप्ताह दिन से प्रशासन से हो रही बातचीत आखिरकार आज शनिवार देर शाम को पटाक्षेप हुआ। मानीपुर के तमाम लोग जदयू प्रतिनिधि अरुण कुमार यादव और प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार के आश्वासन पर वोट बहिष्कार आंदोलन वापस लिया। घंटों की जद्दोजहद पश्चात मानीपुर निवासी को BDO अखिलेश कुमार और जदयू नेताओं ने आश्वासन दिया कि आप सभी वोट करें, हम सभी आपके साथ हैं और वादा करते हैं कि जो भी करना पड़े लेकिन साल भर के अंदर आपके सड़क की समस्या का निदान कर दिया जाएगा। BDO अखिलेश कुमार ने कहा कि ग्रामीणों से वार्ता सफल नहीं, सभी ने लोकतंत्र के महापर्व में सहयोग का आश्वासन दिया है। दरअसल मानीपुर वार्ड 1, 2 और 3 के लोगों का कहना है कि NH 107 पर रेलवे ट्रैक पार करके जाने पर मात्र 300 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कुछ महापुर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ रेल विभाग द्वारा पिलर गाड़ दिया गया है। दूसरी तरफ से घूमकर NH पर जाने में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लोगों ने कहा कि उन लोगों का मतदान केंद्र भी रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ है, इस कारण से उन लोगों को 7 किलोमीटर की दूरी तय कर वोट देने के लिए जाना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। अगर प्रशासन रेलवे ट्रैक के समीप अंडरपास या बगल से लगभग 300 मीटर का सड़क बना देता है तो उन लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मौके पर अधिकारी सहित जदयू प्रतिनिधिमंडल और तमाम मानीपुर निवासी मौजूद थे। पहले आप सुनिए पहले मानीपुर निवासी की क्या मांग था, उसके बाद आज हुई वार्ता को देखिए। यहाँ जो है मानीपुर पंचायत पड़ता है, इस गाँव में 1200 करीब जो है मोटर है, आया इस सब जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और किस होके जाएगा 6-7 किलोमीटर घूम के तब जो है बाजार जाते हैं, मधेपुरा भी जाते हैं, बहुत कठिनाई है और बरसात के महीना तो और कठिनाई हो जाता है सबको। तो कई बार पप्पू यादव भी आए थे यहाँ और इस शेखर यादव भी मंत्री साहब को भी दिए थे लेटर, DM साहब को दिए थे लेटर, कमिश्नर साहब को दिए थे लेटर, मगर अभी तक कोई इसको सुनने वाला नहीं है। हमारा ये कहना है ये सब वोट का बहिष्कार किया है, हम लोग भी तो समझाए बुझाए हैं मगर समझाने वाला अब कोई नहीं है। इस सबको रास्ता है ये नहीं तो कैसे समझेगा इस सब। सरकार को भी कहे हैं कई बार इस सब मगर कोई नहीं सुन रहा है। प्रशासन से क्या अपील है, सरकार से क्या अपील है? सरकार से अपील है जी सबको रास्ता मिलना चाहिए, प्रशासन को भी अपील है जो इस सबको रास्ता मिलना चाहिए। यहाँ से करीब जो है मात्र ये गांव से रोड पर जाने के लिए मात्र जो है 3.5 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर। परिचय सर, हम यहाँ का पूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच का पति है मानीपुर पंचायत का। बार आप लोग के माध्यम से सूचित कर रहे हैं जिला प्रशासन को, पदाधिकारी को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, जो हम लोगों का यहाँ रेलवे का भयंकर समस्या है। रेलवे टपने के बाद 200 मीटर या 300 मीटर मेन रोड है, ठीक ना, वहाँ उस मेन रोड पर चढ़ने के लिए हम लोगों को कम से कम 7-8 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। अगर किसी तरह का समस्या हो जाता है, जो काम 2 मिनट में हो जाएगा उसको आधा घंटा लगता है। एक मान लीजिए एम्बुलेंस ही हम लोगों को किसी कारणवश आता है यहाँ, इमरजेंसी में आता है, तो मेन रोड से 2 मिनट लगता है रेलवे पार करने में, क्रॉसिंग करने में, लेकिन वही एम्बुलेंस भर्राही होकर के आता है तो कम से कम 15-20 किलोमीटर लगता है, मिनट लगता है। एक बरस के बाद अधिकार सुने के मौका नहीं देव, लेकिन बढ़िया लोग का दिक्कत होते आवे। हकीकत जो बोले निमंत्रण नहीं दिलिए, सही माने में रास्ता के चलते ही नीक आदमी के एत लबने बहुत मुश्किल भय उठा दियो सबको
और हम विश्वास दिलवे बोल रही विश्वास दिलवे जो एक साल के अंदर शिलान्यास हेतु चाहे जना हमारा दस बेर दिल्ली जाए पड़ते हाँ कम से कम भले वक्त है ना हम सब हाँ सत्तर वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स एक बार सेवा का मौका अवश्य दे बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स लॉ कॉलेज रोड सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो दो बार ब्रश करें सुबह और रात में खाने के बाद।